ऑन इंडोनेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बॉम पंथियों ने अपने हमारे हिंदू धर्म का उन्हें ठेका लेकर रखा है बदनाम करने का और उनको गाली देने का। भगवान शिव भी ड्रग्स लेते हैं और ये कहा गया है अरबन नक्सलियों द्वारा लाइव टीवी पर, और भगवान शिव को ड्रग्स लेता हुआ साबित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये भगवान शिव जब ड्रग्स लेते हैं तो बॉलीवुड वालों ने ले लिया तो साहब क्या कर लिया। अब आप खुद सोचिए, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ यहां आने वाला है और यहां पर आज इन अरबन नक्सलियों की जो ठुकाई है वो धुलाई है वो आपको यहां पर देखेगी। और इन अरबन नक्सलियों के जो मेन सपोर्टर है जहां साहब राहुल गांधी, जो राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं अरबन नक्सलियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश भी ऐसे यही अरबन नक्सली रच रहे थे, और जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो यही राहुल गांधी हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि एक विचारधारा को क्रश किया जा रहा है। ये विचारधारा है, भगवान शिव ड्रग्स लेते हैं ये विचारधारा है। भगवान शिव के बारे में कितना पता है तुम दलालों को भगवान शिव के बारे में कितना पता है, इस सवाल का जवाब दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप भी लिखिए क्या भगवान शिव ड्रग्स लेते थे। आज आपको मैं इस वीडियो में साबित भी करूंगा कि भगवान शिव ड्रग्स लेते थे, तो आपको आज यहां पता चलेगा सच्चाई क्या है भगवान शिव के ड्रग्स लेने के, जो ड्रग्स की बात करते हो। तो आज इन विरोधियों को आप करारा तमाचा मारिए, और आज राहुल गांधी जैसे लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं उनकी भी पोल खुलेगी। अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। और अगर आप चमचे हैं तो आप तो जरूर कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन साहब आपके झूठ बोलने से, कहने से, गलत कहने से सच झूठ नहीं हो जाता है। सच को दबाया जा सकता है, सच को आप इस तरह से ज्यादा टाइम तक आप उसको भी दबा नहीं सकते हो। चलिए बताता हूं आप खबर क्या है, पूरी की पूरी तरह खबर क्या है। एक टीवी पर डिबेट चल रहा था जिसमें राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव पात्रा, जो अपने विवाद बोल्स के लिए माने जाते हैं, टीवी स्टूडियो में राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों को भी दलाल, जो पत्रकारों को भी तमाचा मारने वाले संबित पात्रा उस समय थे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं अरबन नक्सली के पत्रकार है जिसका नाम लूंगा भी आपको, वो कह रही थी कि भगवान शिव जब ड्रग्स लेते हैं तो बॉलीवुड वाले क्यों बदनाम किया जा रहा है। बॉलीवुड ड्रग्स के नेटवर्क के बाद एक फिल्मी हस्तियों के नाम जिस प्रकार से आए हैं और बहस में एनसीबी की सबके बीच एनसीबी की कार्रवाई की चर्चा हो रही है। संबित पात्रा के साथ मेघना पंत, जी हां पाप, मेघना पंत ही वही नाम है जो अरबन नक्सली है। और अरबन नक्सली ने क्या दिया इस बार, इस अरबन नक्सली ने अजीब गरीब लॉजिक दिया है और कहा है कि हिंदुओं के भगवान भी लोग भी तो ड्रग्स लेते हैं। साथ ही वामपंथियों ने भगवान शिव के ड्रग्स लेने की बात करते हुए सिर्फ हिंदुओं के नीचा दिखाने की कोशिश की है, बल्कि ड्रग्स लेने वाले बॉलीवुड स्लेबर्स जो हैं उनका बचाव किया जा रहा है यहां पर। साथ ही लॉजिक यह कहा जा रहा है कि किसी की प्राइवेट जिंदगी में क्यों निशाना बनाया जा रहा है, अगर वो आनंद ले रहे हैं ड्रग्स के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वामपंथियों ने ये प्राइवेसी पर छापेमारी करार दे दिया है। और इसके जवाब में जब संबित पात्रा खुलकर आए तो उन्होंने कहा आखिर अर्बन इलीट लोग इस प्रकार से गवान लॉजिक कैसे लेकर आ सकते हैं। इंडिया टुडे में राहुल कमल के शोक में लेखिका मेघना पंत ने लॉजिक लेकर आई। उसका कहना था जब हिंदुओं के भगवान ड्रग्स लेते हैं और फिर बॉलीवुड सिलेबस ने ले लिया तो कौन सी बड़ी बात थी। संबित पात्रा ने इसे घृणित करार दिया। चलिए मेघना उसने और कुछ क्या कहा, संबित पात्रा ने कहा मेघनापन जैसे लोग क्लासिकल हिपोक्रेसी, ये वो हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य मजहबों को देवी देवताओं के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मेघना पंत शर्म आती है ऐसे दलालों को। भगवान शिव ड्रग्स लेते थे जब समुद्र का मंथन हुआ था, और तुम जैसे दलाल महिला के नाम पे कलंक ऐसे लोग अगर ऐसे कर रहे हैं, महिलाओं के नाम पर ऊपर जो किस प्रकार से किया जा रहा है, ये आप महिला की आड़ में इस तरह से भगवान को आप नहीं कह सकते। भगवान शिव ड्रग्स लेते थे, शर्म आने चाहिए तुम जैसे दलालों को। भगवान शिव जब समुद्र का मंथन हुआ था, याद कर ले दलाल, और अगर नहीं पता हो तो सुन ले, मैं खुला चैलेंज करता हूं यहां से,
जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। उस विष को भगवान शिव ने पिया था। और आप कहते हो भगवान शिव ड्रग्स लेते थे, अगर वो विष नहीं पीते तो तुम जैसे जो दलाल हो अरबन नक्सल, जिनकी औकात नहीं है, वो सिर्फ आकर टीवी पर अपनी दलाली से कुछ विदेशों से पैसा लाके, पाकिस्तान चीन से पैसा आकर यहां पर अपना एजेंडा सेट करते हैं और कहते हैं भगवान शिव ड्रग्स लेते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे दलालों को। महिला के नाम पर कलंक है। ऐसे में महिला अगर हो करके महिला के आड़ में ऐसे शब्द नहीं कह सकते कि भगवान शिव ड्रग्स लेते। समुद्र मंथन आपको पता है, समुद्र मंथन हुआ था। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं आपको, कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया था। और तुम दलाल, तुम राहुल गांधी के जैसे तुम्हें सपोर्ट करने वाले, तुम कहते हो भगवान शिव ड्रग्स लेते हैं। आज मैं यहां किसी की भावनाओं को, हिंदू को भावनाओं को उनको गुस्से में दिलाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि यहां हमारी भी हम भावना आहत हुई। एक हिंदू ना होने के नाते, एक शिव भक्त होने के नाते, हम शिव भक्त इसलिए नहीं मानते हैं, हम जने उधारी इसलिए नहीं मानते हैं कि मुझे वोट लेना है चुनाव में। हमें मेघना पंत जैसे दलाल पत्रकारों को, जो भगवान शिव को ड्रग्स लेने वाला कह रही है, और इन नचनियों को जो नंगा नाच करते हैं कपड़ा खोलकर, उनके सपोर्ट में भगवान शिव को लेकर आ रही है, ऐसे लोग को हम करारा जवाब यहां देना चाह रहे हैं। आज इस मंच से मेघना पंत या मेघना पंत जैसे दलालों को, जो आज भगवान के नाम पर नंगा नाच कर रहे हैं, किसी और धर्म के बारे में कहकर देख लो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। ये वीडियो व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो लाइक बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो पर, इस वीडियो पे हम आप सभी की राय जानना चाहते हैं कि क्या भगवान शिव ड्रग्स लेते थे। इस सवाल का जवाब आप सबसे चाहते हैं। और आप सभी इस जो मेघना है, ये दलाल जो हैं, ये जो वामपंथी हैं, इन सबको देश से निकाला करना चाहिए भगवान पर के ऊपर। अगर इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, इस प्रकार से सवाल किए जाएंगे, इस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तो हम जवाब देना जानते हैं। क्योंकि एक न्यूज चैनल पे होने के नाते अलावा एक अपना भी धर्म है हिंदू, वो हमारा भी धर्म है हिंदू, और हिंदू धर्म के होने के नाते हम तुम जैसे दलालों को सिर्फ और सिर्फ जूता और चप्पलों से स्वागत करते हैं। और तुम जैसे नचनियों का स्वागत कर रहे हैं, जो नंगा नाच कर देते हैं कपड़े निकाल के, उनको भगवान शिव से आप तुलना करते हो, शर्म आनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं, अनुराग कश्यप जैसे दलाल, उनकी आप सपोर्ट करते हो, शर्म आनी चाहिए। वीडियो खत्म करूँगा, बने रहो न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।